हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्थ्य, पाठ 8। पाठ का नाम है प्रमुख खेल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं का एक ही बुक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, सबसे लंबी दौड़ कितने मीटर की होती है जूनियर वर्ग में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे लंबी दौड़ 600 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, ऊंची कूद में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा कितने प्रयास किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ऊंची कूद में प्रत्येक खिलाड़ी को एक निर्धारित ऊंचाई पर कूदने के लिए 3 बार मौका दिया जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गोला फेंक में गोला किस पदार्थ का बना होता है एवं इसका वजन कितना किलोग्राम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, गोला फेंक में गोला पीतल अथवा लोहे के ठोस पदार्थ का बना होता है। इस गोले का वजन 5 किग्रा होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, डिस्कस किस आकार का होता है, इसका वजन कितने किलोग्राम का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, डिस्कस फाइबर या लकड़ी से बना वृत्त के आकार का होता है, इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मल्ल युद्ध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, मल्ल युद्ध विश्व के प्राचीनतम खेलों में से एक है, वर्तमान समय में इसे कुश्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 6, कुश्ती में गद्दे की ऊंचाई कितने मीटर होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुश्ती में गद्दे की ऊंचाई 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कुश्ती के कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, गामा पहलवान, गामा पहलवान को रुस्तम ए जहाँ कहा जाता है, और दूसरा दारा सिंह, दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व विख्यात पहलवान रहे हैं, इन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तीसरा है महाबली सत्यपाल गुरु हनुमान के शिष्य हैं, ये भारतीय विद्यालय खेल संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय कुश्ती के विकास पुरुष हैं, इन्हें महाबली एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होती हैं, जिसमें 6-6 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं तथा 6-6 खिलाड़ी सुरक्षित रहती हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वॉलीबॉल खेल में मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई कितने मीटर होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, वॉलीबॉल खेल में मैदान की लंबाई 19 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर होती है, जिसमें एक मध्य रेखा होती है, इसी मध्य रेखा के ऊपर जाल यानी कि नेट लगाई जाती है, मध्य रेखा के दोनों ओर 9x9 वर्ग मीटर का वर्गाकार क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खेल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर योग्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर खेलते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक, एशियाड एवं सैफ खेल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, किसी एक स्थानीय खेल के मैदान का चित्र नाम सहित बनाइए। तो विद्यार्थी आप अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सही विकल्प चुने। जैसा कि हमने यहाँ पर चुना है, प्रश्न है ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आरंभ किया, यानी कि विकल्प है ईरान, यूनान, इराक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूनान, यानी ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो यूनान ने। अगला प्रश्न है 14 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, दिया ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक यहाँ पर रिक्त स्थान वर्ष के उपरांत होता है, तो ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के उपरांत होता है, यानी कि यहाँ पर हम भरेंगे 4 वर्ष। अगला है पैरा ओलंपिक
खेलों का श्रेय यहाँ पर रिक्त स्थाने को जाता है, तो किसको जाता है, तो डॉक्टर गुडविन गुट्टमन को। अगला है 3 नंबर, राष्ट्रीय कुल या राष्ट्रीय मंडल खेलों का प्रारंभ वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थाने में कनाडा में हुआ, तो किस वर्ष हुआ, तो 1930 में, तो यहाँ पर हम भर देंगे 1930। अगला प्रश्न 4, एशियाड खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान में नई दिल्ली में हुआ, तो किस वर्ष में, तो 1951 में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।